नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। रीवा पुलिस के निशाने पर इन दिनों सब्जी व्यापारी हैं। जी हां, सब्जी व्यापारी जिनका बामुश्किल उस सब्जी को बेचकर गुजारा होता है, उनको शहर के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। वो जहां मिलते हैं उनकी सब्जी वहीं पर नष्ट कर दी जाती, फिर चाहे वह उनका खेत हो या सड़क। साथ ही उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला। जी हाँ, पिछले कई दिनों से लगातार कुछ वीडियो रीवा के शहर के जारी हो रहे थे। कभी नगर निगम सब्जी को जब्त करता हुआ ठेले वालों के साथ दिखाई देता था, तो कभी उनको मुर्गा बनाता हुआ दिखाई देता था, तो कभी तराजू बाट भी जब्त कर लिए जाते थे। आज रीवा SP जब शहर भ्रमण के लिए निकले तो बाईपास में उन्होंने एक नज़ारा देखा। जिस तरीके का नज़ारा था उसको देखकर SP रुक गए। कुछ लोग अपनी साइकिल में, अपनी मोटरसाइकिल में सब्जी लेकर शहर की ओर आ रहे थे। SP की गाड़ी से दो आरक्षक उतरते हैं और वो SP की मौजूदगी में उन साइकिल वालों को लात मारते हैं। जी हाँ, लात मारते हैं। ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप अपने TV स्क्रीन पर इसको ज़रूर देखिए। अब अपने आप में एक यह बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इस तरीके की घटना, इस तरीके की कार्रवाई उचित मानी जाएगी? इस पूरे मसले को लेकर जब हमने पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप वह भी सुनिए। देखिए, क्या है कि लोग ताजी सब्जी खाने के लालच में जहरीली सब्जियां खरीदने के लिए झुंड के झुंड आ रहे हैं। उन सब्जियों को किस प्रकार से कलेक्ट किया जा रहा, किस प्रकार से क्या किया जा रहा, कुछ भी पता नहीं। हम ताजी सब्जी खा रहे हैं और जितनी सब्जियां सब जहरीली सब्जियां हैं। कोई न कोई पेस्टिसाइड डाल के, कोई न कोई जहरीली चीजें, रसायन डाल के बड़ी बड़ी कर दी गई हैं। उसको खाने के लिए लोग उमड़ पड़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ा रहे हैं। इससे एक और यही कारण है कि गांव में भी कोरोना फैला रहे हैं। शहर में तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अगर लोगों की यही हरकत जारी रही तो शहर में नियंत्रित करने में कठिनाई होगी। तो मेरी सभी संभ्रांत नागरिकों से निवेदन है कि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ना करें, इस तरह की बदमाशियाँ ना करें। नगर निगम का अमला, पुलिस का अमला, जिला प्रशासन बहुत परेशान है कि जो है जब एक व्यवस्था बना दी गई होम डिलीवरी की, उस व्यवस्था के तहत काम करें। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।